गाइस देखो डोसा भी आ गए हैं, मिनका से ही भरे हैं। बस हो गया हो गया। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैंकॉक पे है ना इतना मौसम खराब हो रखा है कि सब लोग है ना छाता पकड़ के बैठा हुआ है। आप देखो यहाँ पर, ताकि ये लोग के छाता उड़ ना जाए ना, उस वजह से इतना तेज हवा आ रही है, इतना तेज हवा आ रहे है, देख लो। मैं बाहर पे सामान पहुंचाने के आए थे, ऐसे नजारा मुझे देखने को मिला। इंडिया में भी ऐसे ही मौसम खराब हुआ रखा है क्या गाइस? माय गॉड, नहीं उड़ना जाओ, मैं तो भाग रही हूँ। गाइस मेरी हो गई है छुट्टी, पर बाहर पे देखो इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि मैं बाहर में ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी। और आज मुझे रूइस भी बनाना है, तो मैं इसलिए अंदर जा रही हूँ रूइस बनाने के लिए। नदीना मोड़ के अंदर पे जाके बनाऊंगी, घर पे नहीं बना पाई। आज तो ना बनाना ही पड़ेगा मुझे, बाहर में भी रूइस नहीं बना सकते ना कि बारिश हो रही है। देखो मैं तो भीग गई मेरा बाहर। अभी तो मैं प्लेटिनम मॉल के अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पर तो अभी लग रहा है ना सुबह हुआ रखा है कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइट है। इसलिए पता नहीं मेरी मम्मी की गिफ्ट क्या हुआ है। अभी मैं पवीना के पास जा रही हूँ, पवीना को पूछूँ कि क्या हुआ है गिफ्ट के बारे में। फिर मिनका सोनिया सब लोगों ने तो मम्मी को गिफ्ट दे दिया कल रात को ही 12 बजे विश करके, सिर्फ मैंने नहीं दिया। इतना बुरा लग रहा है ना कि क्या ही बताऊं। तो गाइस मैंने मम्मी के लिए गिफ्ट ले लिया है, पर मुझे प्लान चेंज करना पड़ा। मैंने फूल ही नहीं लिया यहाँ पर पहनने वाले, क्योंकि जो मैं जाके खरीदने वाले ना, वो लड़की जो है अभी वहाँ उसके घर पे नहीं है। मुझे आज चाहिए थे क्योंकि आज है मम्मी की बर्थडे। ऐसे नहीं है कि कल है, कल ही दूंगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। कर देंगे तो आज बर्थडे है तो आज देंगे तो अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैंने मम्मी के लिए ले लिया है एक एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, प्यारा प्यारी कुछ भी बोल सकते हैं। और मम्मी को भी पसंद आ जाएंगी, क्योंकि मम्मी ने मुझे एक बार बोला था कि उनको भी चाहिए थे। कभी कभी मम्मी बाहर जाते हैं तो हम लोग का ही पहन लेती है, तो समझ आ गया क्या है वो हम लोग का ही पहनती है। तो मैंने बोला मम्मी आपको चाहिए है क्या? मम्मी ने बोला हाँ मुझे भी तो चाहिए थे एक, ऐसे बाहर हुआ उधर इधर जाऊँ तो तुम लोग का ही पहना पड़ जाता, तुम लोग का मुझे लूज भी होता है। सो मैंने, मेरा दिमाग में एक और आइडिया आ गया था, तो इसलिए मैंने ले लिया है। ज़्यादा महंगा तो नहीं है, फिर भी मैंने बहुत ही प्यार से लिया है। सो आई होप मम्मी को अच्छा लगे। मम्मी और मैं तो बात तो नहीं करते हैं, फिर भी अच्छा लगेगा मम्मी को मम्मी मुझे, मेरे से अभी तक नाराज है कि मैं घर छोड़ के चली गई थी ना, उस वजह से अभी तक बात नहीं करते है। फिर भी कोई बात नहीं, दे दूंगी। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या है। इतना भारी क्यों है ये? बहुत ज्यादा भारी है। वही 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 ब्रांड ही है ये भी, पर इतना ज्यादा बड़ा ब्रांड तो नहीं है। उस ब्रांड का नाम है भाउजी, भाउजी ब्रांड है। पहले है ना, जब मैं भी है ना, जब बैंकॉक आए थे ना, तो पहले पहले मैंने एक जूता पहने थे, वो है भाउजी। मैंने इससे शुरू किया था तब से मम्मी को भी वो जूता पसंद आ गई, क्योंकि वो है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है, पहने भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो उस वजह से मैंने सोचा मम्मी को भी यही खरीद के दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। उस वजह से अब लोग दिखाती हूँ कलर कैसे है, ठीक है? कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। अंदर कौन सा कलर होगा, गैस करो। तन तन ये तन 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 व्हाइट कलर की है गाइस। पवीना बताओ कैसे है, सुंदर है? बहुत अच्छा। सुंदर है ना, इसको पकड़ के देखो ना, कि बिल्कुल भी भारी नहीं है। नहीं हलूंगा है ना। हाँ मम्मी को पसंद आ जाएंगे गाइस आप लोगों को पता है मैया की मम्मी है ना, मेरी ब्लॉग देखती है और मैया को खूब डांटती, क्योंकि उस दिन मैंने इसके साथ भाई को ऐसे कुछ मैंने जोक मार दिया था, तो उसकी मम्मी ने बोला तुम्हारा और आगे वाला भाई की तो चक्कर चला रहा है क्या
ऐसे कुछ भी नहीं है ठीक है मम्मी जी, बस भाई है, भाई है ओके, बस हम लोग उसी के साथ मतलब जोक करते रहते हैं, वो भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं, उसके दिल में रखती नहीं है, उस बोल दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे, वो बोलते हैं कि आप तो मेरी दीदी की उम्र है, मैं आपको पसंद नहीं कर सकती। गाइस मेरे भाई को लड़की चाहिए है, किस किस को लड़की पसंद है बता दो। ये बोल रहे हैं मुझे ना अंग्रेजी लड़की चाहिए। अभी अभी तुमने बोला था, नहीं बोला मैंने, कसम खाओ फिर, कसम खाओ फिर, देखो 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 कसम नहीं खा रहे, मजाक कर रहा था मैं, नहीं इसको मैंने बोला मुझे रीज बना दो भाई, तो इसने बोला मुझे लड़की ढूंढ के देंगे क्या आप, तो मैं आपके लिए रीज बनाऊंगी, मैंने बोला तुमको कैसे लड़की चाहिए, तो है ना मुझे ना अंग्रेजी लड़की चाहिए, अंग्रेजी। तुमको यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया लड़की फंसा, यहाँ पे कस्टमर नहीं आते क्या, नहीं आते ना इसीलिए। चलो जो भी ऑस्ट्रेलिया की लड़की है, इफ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया प्लीज कमेंट सचिन, बिकॉज माय ब्रदर वांट्स ऑस्ट्रेलिया गर्ल्स। आप लोग को पता है पबीना मुझे खाने में इनवाइट किया है, खाने में इनवाइट किया है और बोला है कि अगर आना चाहती है तो तुमको पैसे देना पड़ेगा 50 बात, और क्या क्या खिलाने वाली थी उसमें बहुत ज्यादा है, आप लोग को वो बताएंगे वो क्या क्या खिलाने वाली है। मैं खिलाने वाली हूँ पनीर की सब्जी, दाल, भात, चटनी, ठीक है चटनी, तो इसके लिए सिर्फ 50 एक लोग की, एक पर्सन की सिर्फ 50 मांगा है, बहुत ज्यादा नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पनीर ना 1 किलो को 300 है, फिर दाल भी पकाऊंगी, चावल भी पकाऊंगी, भाग मिलता है इसको, तो मैंने मैया से 50, नो मैया से 60, ममता से 50 और भाई से 150 मांगा। और मैंने बोला कि मुझे नहीं आना है, मुझे लगा ऐसे फ्री में इनवाइट कर रही, तो मैंने सोचा no जाती हूँ तो, और इसने बोला फिर 50 बार देना पड़ेगा, तो मैंने स्टॉप। इसका नाम मैया नहीं, इसका नाम बंदरिया है, क्या बंदरिया, बंदरिया तुम्हारी बंदरिया जैसी बैठी, भी खिलाऊं और पैसे भी फ्री में तो नहीं हो सकते, इतने सीधी शादी तो। तुम्हारा नाम बंदरिया कैसे हो गई? आज क्या है पता है आपको, आज मैं 13 है, मत 13 है क्या होता है, मैं तेरा मैं बारह क्या होता है, मैं तेरा मैं तेरा अच्छा आज मई है और 13 दिन है तो मैं तेरा मैं तेरा गाना बना दिया, नहीं मुझे नहीं, फिर मीठा भी खिलाऊंगी मैं, क्या होता है मीठा, ये नूडल्स है, नूडल्स को मुझे नहीं आना है, सच में मैं बोल रही हूँ, मैं ना किसी मैं तुमको बताऊँ बस, मैं ना किस ऐसे खुद को करके नहीं बोल रही है, मुझे ना सिर्फ मेरी मम्मी के हाथ की खाना ही पसंद है, किसी और का हाथ का खाना, हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। पर पानी पूरी जब तुम बनाएंगी ना तुमको 100 बातें मैं दे दूंगी, ओके ठीक है, ठीक है। तुम कितना खर्चा लगता है, तुम मेरे साथ भी चैनल वीडियो करना पड़ेगा तब भी होगा, ओके ओके। तो अभी मैं जा रही हूँ फैमिली के साथ डिनर करने के लिए, आज हमारे घर की मम्मी के पति है तो बाहर पे खाना खाने के लिए लेके जा रहे हैं, सब लोग आ गए हैं, तो गाड़ी आ चुकी है हम लोग को पिक करने के लिए। अभी हम लोग आए हुए हैं सुकुम में इंडिया रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट का नाम आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे खाना आ चुके हैं, यही मैंने मंगवाई है, इसको क्या कहते हैं, पाव पाव कहते हैं या पाव भाजी मुझे नहीं पता है, पर पाव फनी है देखो। भाई तूने क्या मंगवाया है? बिरयानी। बिरयानी गाइस देखो डोसा भी आ गए है, मिनका से ही भरे है, बस हो गया हो गया, मुझे खुद की हो गया। मैं बिरयानी ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं टेस्ट कैसे होगा, फिर भी ट्राई कर लेती हूँ, भाई ने बोला यम्मी है, ट्राई कर दूंगा। नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा बिरयानी, मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी ट्राई कर रही हूँ पानी पूरी। क्या है मोमोस है, इतना ही है क्या, सिर्फ 6 है, 6 को 150 बात। गाइस आप लोगों को पता है हम लोगों ने बिल कितना पे करके आई है, 2000 बात, मैंने क्या क्या मंगवाए थे वो भी बता देती हूँ, बड़ा पाव, पाव भाजी और डोसा जो है वो 2 प्लेट, एंड देन मोमोस और बिरयानी, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन, उतने ही खाया, और पानी पूरी
क्या है, पानी पूरी है ना, हाँ वो 2000 ओ माय गॉड 2000 इंडिया रुपीस कितना है बताओ, इंडिया रुपीस कितना होगा 2000 में, ओ माय गॉड ना महंगा है ना, अगर इंडिया में खाते इतना नहीं पड़ते है ना, क्योंकि ये थाईलैंड है तो इसलिए महंगा हो गया है, कोई नहीं पर खाना अच्छा था। गाइस कल रात मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फोन जो है दाप हो गए थे, इसलिए मैं अभी एंड करती हूँ, मैं अभी बिजी भी हूँ, मैं चोरी छुटके से ब्लॉग पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पे नहीं आया सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट मॉम किप्स पौधे के ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। देखो मेरा चेहरा अभी अभी उठ के बांट के आई हूँ मैं।